हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने लेग स्पिन और बैटिंग की बनाई थी, तो कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली कमेंट किया, पर्सनली मैसेज किया कि सर पेस बॉलिंग की आप बहुत ज़रूरी आप वीडियो बनाओ। तो आज हमने पेस बॉलिंग की, क्योंकि हमारे पास हैं हरियाणा से मनीष कुमार प्रजापति, जो हरियाणा से कूच बिहार अंडर 19 खेले हुए हैं और हमारे पास ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम इनको बताएंगे कि पेस बॉलिंग एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि क्रिकेट में सबसे इम्पॉर्टेंट पेस बॉलिंग होती है। अगर आपका रिदम, आपका रिलीजिंग पॉइंट, आपका हेड पोजीशन, आपका नॉन बॉलिंग आर्म्स परफेक्ट डायरेक्शन में होगा, तो आपकी बॉल आप जो डायरेक्शन में चाहते हो वहाँ पे पिच होगी। क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है पेस बॉलिंग का कि आपका टप्पा और रिलीजिंग पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है कि आपका एकदम राइट वे में जाए। तो आज हम इनके साथ वही करने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा कि इनकी बॉलिंग में वो चीज़ आए। इससे पेस जनरेट होगी, बाजू में ताकत आएगी, पेस जनरेट होगी, एक्यूरेसी होगी, जंप रिदम इन सब चीज़ों में होगा। तो हम इनसे करा के कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई कि रिजल्ट क्या होता है। आफ्टर दिस वीडियोस करने के बाद प्रैक्टिस हम इनसे पूछेंगे कि इसका रिजल्ट और इनको इफेक्ट कहाँ आया। मनीष का वर्कआउट कैसा रहा? अब मनीष से पूछते हैं कि मनीष कुमार को वर्कआउट कैसा लगा, कुछ उनको बेनिफिट हुआ है ना? लेट्स ट्राई। कम मनीष। तो मनीष, आपको वर्कआउट कैसा लगा? ये वर्कआउट से आपको क्या लगा कि कुछ इससे फायदा हो सकता है आपकी बॉलिंग में? वर्कआउट तो बढ़िया था और पूरा हार्ड वर्कआउट था और उसमें एंजॉय भी आया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी हैमस्ट्रिंग होगी और थोड़ी शोल्डर में पावर जनरेट सी होगी थोड़ी।
और मैंने ऐसा कैंप भी किया था अपने 19 स्टेट के, हाँ, 16 के कैंप, तो वहाँ इतना होता नहीं था, कम ही होता था, लेकिन आज तो मैंने किया थोड़ा सा, मुझे लग तो रहा है कि थोड़ा फायदा होगा। मतलब आपको इससे लग रहा है कि आपकी बॉलिंग की पेस बढ़ सकती है? हाँ, और आपका जो टप्पा है, हाँ, पेस बॉलर का स्पेशली टप्पा ही इम्पोर्टेंट। मैं आया था इधर ही जा रहा, लेकिन आज मैंने हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस की है मैंने, तो थोड़ा टप्पा सही पड़ रहा है। मतलब आपको ये लग रहा है कि आप राइट डायरेक्शन में हो, आप यहाँ पे ट्रेनिंग करके इस तरीके की आपकी पेस जनरेट हो सकती है, पेस बढ़ा सकते हो? हाँ, पेस बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ और मैंने आपके साथ रह भी रहा हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि पेस कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी। जी, तो ये वर्कआउट आपके लिए बेनिफिट दिया है, आपको बेनिफिट दिया ये वर्कआउट, ऐसा लगा कि आप इससे ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे करोगे, इससे आपको फायदा होगा? हाँ, मैं लेकिन रेगुलर करने पे फायदा है। हाँ, मैं रेगुलर करता नहीं हूँ ना, इसलिए फायदा जी, इतना जी, हो नहीं रहा, लेकिन अभी रेगुलर आप मेरे साथ हो तो मैं रेगुलर करूंगा जी, अगर मैं छोड़ूंगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी क्रिकेट अकेडमी के कोच और आजमी क्रिकेट अकेडमी के पूरा स्टाफ हमारे स्टूडेंट के साथ है, क्योंकि इन्होंने स्टेट खेला हुआ है, इनको पता है कि स्टेट की वैल्यू क्या है। हर एक बच्चे को टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो टैग को बचाना। हम इनको बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे और इन पे हम हार्ड वर्क करेंगे ताकि ये कहीं को हमारा, इनका भी ड्रीम है और हमारा भी ड्रीम है कि हमारा बच्चा कल को इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तो हमारा बेस्ट विश इनको है और हम इसी तरीके से हार्ड वर्क कराएंगे। आपको वीडियो के थ्रू आप भी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो कि किस तरीके से पेस बॉलिंग की बॉलिंग पेस जनरेट कर सकते हैं, स्विंग पे कैसे काम कर सकते हैं, एंगल जो निकल रहा है बॉलिंग में उस पर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं, और कमेंट में, और मेरा नंबर भी है, आप नंबर पे भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे साथ जो जुड़े उनको अच्छी से अच्छी हम जो है नॉलेज क्रिकेट की प्रोवाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच सारे भाइयों, कमेंट कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, ये अपने सर हैं।